उसी हिसाब से रोड नहीं मिला। अब हमने किया वादा, इंशाल्लाह हम निभाएंगे अगले दो महीने। मेरी आपकी रियासत जम्मू कश्मीर की गवर्नर साहब कह रहे हैं मैं तो हर चीज कर रहा हूँ। गवर्नर साहब सुनिए, दो साल से मैं आपके डायरेक्टर को कह रहा हूँ कि इनको भेजो, यहाँ 30% उड़ी में स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, क्या आप पढ़ाई नहीं देना चाहते हो इन लोगों को? कैसे ये लोग यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, पीएचसी तो बने हैं डॉक्टर आपने नहीं रखे, और जो उड़ी के नाम पे डॉक्टर बने हैं, कोटा पे बने हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे बने, बच्चों से कलम ऑर्डर निकालिए, उनको वापस भेजिए, उड़ी वालों की खिदमत करेंगे। कोटा यहाँ का हो, इस कोटे पे सिलेक्शन हुई हो, लेकिन खिदमत उड़ी वालों की नहीं, तो ये मंजूर नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है ऐसी सियासत आपको भी मंजूर होनी चाहिए। गाड़ियां हैं, मैं तो पैदल चलता था, मैं तो उस इलाके का था, यहाँ तो रास्ता भी नहीं था, हम तो 8 किलोमीटर पैदल चलते थे बिजामा जाने माया तक पहुंचने के लिए। लेकिन भाई तुम्हारे से तो मैं इसी इलाके का हूँ, तुम तो कठुआ से आए, तुम क्या मुझे कहोगे यहाँ? मैं तो फिर भी इसी मिट्टी का हूँ, मेरा तो जन्म यहीं का है, मेरा तो रिश्ता यहीं है, तुम्हारा कौन है यहाँ? तुम तो मंगते लाए थे कुछ लोगों ने, और ठीक है उन्होंने देख लिया कि आपने अच्छा वसूल किया, फसल आपने अच्छी यहां से काटी, आप क्या जान भी काटोगे इन लोगों की? कभी गाड़ियां गिनते हो सड़क पे, मकान होने से थोड़ा ही आपको सड़क पे चलने वाले गिनने हैं, कितनी देर तक गिनोगे? कभी इतने आसाई से झूठ बोलते हैं कि नहीं जनाब मैं तो कल ही देख रहा था 3 करोड़ रुपया उसको दे दिया, 6 करोड़ रुपया उसको दे दिया, काम ही इतना ही रहा है उनका के गिनो किसके पास कितना है। वह अल्हम्दुलिल्लाह हलाल की कमाई है, अगर देंगे भी किसी को तो हलाल की कमाई में से देंगे, आप भी किसी को दे दो ना, मैं मुझे बताओ ना कौन सा कारोबार है आपका, आपने किस कारोबार में से कमाया? बहुत बेवकूफ बनाया आपने उड़ी के लोगों को, रात को एक बात बोलते हो, सुबह दूसरी बात बोलते हो। बहरहाल ये बात बीच में आई इसलिए मैंने बात करनी पड़ी, वरना अल्लाह उनका भी निगेबान और हमारा भी निगेबान रहे। इससे पहले जैसे आप आर पार जाते थे और सुबह यहाँ तो शाम वहाँ, दोपहर वहाँ दोपहर, वहाँ से निकले तो शाम यहाँ, खुदा करेगा ज़रूर ऐसे हालात एक ना एक दिन तो आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री ऐसे ही हमने देखी है। यूरोप को जिसको हमने देखा कि वो एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एक दूसरे को खत्म किया, लेकिन आज देखिए आज पूरे यूरोप में एक वीजा पे पूरे में घूमता है इंसान, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अल्लाह का जब मंशा होगा तो इंशाल्लाह जरूर।